बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द बिहाफ ऑफ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। इन टुडेज़ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो अपना जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका फॉर्मेशन ऑफ बैंक का रिमेनिंग पार्ट है। आप लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर बैंक का क्याम या बैंक के तश्कील के हवाले से पहले 3 तरीका जात, जो कि आपका बजरिया शाही फरमान, बजरिया खसूसी आर्डिनेंस, बजरिया अंजुमन अमदाद बाहमी का एक्ट, ये 3 तरीका जात जो है इनको आपने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे लेक्चर नंबर 6 से ही रिलेटेड है और इंशाल्लाह आज हम लोग इसके अंदर जो है वो अपना बैंक के क्याम के हवाले से जो चौथा तरीका जात है वो है बजरिया कंपनीज आर्डिनेंस, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बैंक थे वो कंपनी एक्ट 1913 के तहत कायम किए जाते थे, लेकिन 1974 के अंदर गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से जो बैंक कायम करने का अख्तियार था वो हुकूमत को मिल गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो बैंक हैं वो कंपनीज आर्डिनेंस 1984 के तहत कायम किए जाते हैं, जिसको अब रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2017 कर दिया गया है। कंपनी आर्डिनेंस के ज़रिए जो तजारती बैंक कायम करने के लिए सबसे पहले मरकज़ी बैंक जो है वो आपका, उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है और मरकज़ी बैंक से इजाज़त हासिल करने के बाद जो बैंक है उसको मुश्तरका सरमाए की कंपनी जो है उसके रजिस्ट्रार के पास जो है वो आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो तरीकाकार आपको अख्तियार करना पड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन बैंक हैं वो आपके तजारती बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, तो उन तमाम के अंदर जो है यही नॉर्मली तरीकाकार जो है वो अख्तियार किया जाता है। इसके अंदर जो पहली स्टेज है वो आपकी प्रमोशन स्टेज है। प्रमोशन स्टेज जो है ये वो मरहला है, ये पहली स्टेज है कि जिसके अंदर कुछ लोग जिन्हें कंपनी के हम बानी कहते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो कहते हैं, वो लोग जो है वो ये पहली स्टेज जो है उसको कंप्लीट करते हैं। अब इस स्टेज के अंदर जो सबसे पहला काम है वो ज़ाहिर है उसमें वो आपका आइडिया है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसका ख्याल या उसकी सोच जो है वो दरकार है। तो सबसे पहले कारोबार शुरू करने से पहले जो बैंक के प्रमोटर्स हैं, जो बानी हैं, वो बैंक के कारोबार की नौयत और वसत के बारे में अपना नज़रिया पेश करते हैं कि उनके जहन में क्या ख्याल है और वो किस ख्याल या सोच के तहत जो है वो बैंक की तश्कील चाहते हैं। उसमें कारोबार की नौयत, ठीक है जी, वो तय की जाती है और कारोबार की जो वसत है उसके बारे में जो है वो फैसला किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें बुनियादी तौर पर कारोबार जो है उसकी नौयत तय कर लेने के बाद प्रमोटर्स जो हैं वो दूसरे कारोबारी जो अमूर हैं, मसलन सरमाए का हसूल और ज़रूरी अमला जो है उसके हवाले से तहकीक करते हैं और उस बारे में जो है वो माहरीन की राय भी ली जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है इब्तदाई अखराजात का तखमीना, एस्टिमेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ज़ाहिर है आपने कारोबार शुरू करना है तो कारोबार के इब्तदाई जो अखराजात हैं उसके बारे में एक आइडिया, एक एस्टिमेशन, एक तखमीना जो है वो लगाया जाता है कि कारोबार शुरू करने और उसके चलाने के लिए जो है इब्तदाई तौर पर कितनी रकम दरकार होगी। उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पर आपको बैंक जो है उसका नाम जो है वो उसको तजवीज़ करना पड़ता है। बैंक का नाम आमतौर पर उसके बारे में कुछ हदायात ये हैं कि बैंक का नाम ऐसा होना चाहिए जो आसान हो, ठीक है जी, और बैंक के नाम से जो है वो उसके फ़राइज़ का भी पता चलता हो, और कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो नाम तय करना है इदारे का उससे पहले कोई नाम उससे मिलता जुलता जो है वो रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है जी, और नाम रखने से पहले जो आपका रजिस्ट्रार है जिसके पास आपने अपने बैंक को रजिस्टर्ड करवाना है तो उससे भी आपको जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है। पांचवें नंबर पर आपको फाइनेंशियल सोर्सेज, माली ज़राए जो हैं उनके बारे में फ़ैसला करना पड़ता है कि बैंक अपना सरमाया किन ज़राए से हासिल करेगा। बैंक जो है वो अपना सरमाया हिस्स या तमस्कात के ज़रिए जो है वो हासिल करेगा या फिर अंडर राइटर्स के ज़रिए जो है वो अपना सरमाया जो है वो उसको इकट्ठा करेगा। उसके बाद कुछ ज़रूरी जो है वो दस्तावेज़ात हैं उनकी तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर जो है वो आपने बैंक के अहम दस्तावेज़ात में 3 दस्तावेज़ात पढ़ी हैं जिनमें बैंक का आइन, ठीक है जी, मेमोरेंडम ऑफ बैंक
उसके बाद जो है वो आपका बैंक के कायदे और ज़वाबित, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बैंक का पेशनामा जिसको हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, इनकी तैयारी जो है वो दरकार होती है। छठे नंबर पर आपको सरमाया जो है उसके इजरा की मंजूरी जो है वो लेनी पड़ती है। तो प्रमोटर्स जो हैं वो बैंक के सरमाया के लिए हिस्सा या जो तमसकात का फैसला उन्होंने किया है उसको जारी करने से पहले मरकज़ी बैंक से जो है उसकी इजाज़त लेंगे। ये आपकी पहली स्टेज है जिसको हम प्रमोशन स्टेज कहते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो 7 मुख्तलिफ जो है वो इकदाम करने पड़ते हैं, जिसमें इब्तदाई ख्याल से लेकर सरमाया जो है उसके इजरा की मंजूरी तक। उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास स्टेज आ जाती है, अब आपने इब्तदाई जो है वो तमाम मामलात को सर अंजाम दे लिया है, आपने आइडिया भी जो है वो जनरेट कर लिया है, आप लोगों ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, आपने इब्तदाई अखराजात का तकमीना लगा लिया, बैंक का नाम, माली ज़राए का फ़ैसला कर लिया है, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और मरकज़ी बैंक से इजाज़त ले ली है। तो उसके बाद अब सेकेंड स्टेज ये है कि आप लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा करवानी है। तो इस मरहले को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज से मुराद जो है वो बैंक को रजिस्ट्रार के पास जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। तो इसके लिए प्रमोटर जो है उसको ये कुछ स्टेजेस जो हैं उनमें से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला काम है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो आपने अपनी पहली स्टेज में प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप लोग रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बैंक का आइन है, ठीक है, ये आप तफसील से पढ़ चुके हैं, जिसमें बैंक के मकासद, बैंक के रजिस्टर्ड ऑफिस और मंजूर शुदा सरमाया वगैरह की जो है वो तफसील होती है। इसके बाद जो है वो ज़वाबित जो बैंक के हैं, जिसमें बैंक का जो है वो कारोबार और इंतज़ाम को चलाने के मुतल्लिक तमाम कायदे और ज़वाबित जो है वो दर्ज होते हैं। उसके बाद आपको नुज़्मा की फहरिस्त, जो आपके डायरेक्टर्स हैं बैंक के, उनके नाम और पतों की फहरिस्त जमा करवानी पड़ती है, और जो आपके नुज़्मा हैं उनकी एक तहरीरी रजामंदी जो है वो आपको जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद जो बैंक के लोग डायरेक्टर्स या नुज़्मा मुंतखब होने जा रहे हैं उनकी तरफ से एक बयान हल्फी दरकार होता है, जिसमें वो इस बात का इकरार करते हैं कि उनके लिए जो मुख्तस किए गए शेयर्स थे वो उन्होंने ख़रीद कर उसकी अदायगी कर दी है। उसके साथ जो है वो आप पेशनामा जमा करवाते हैं। पेशनामा के अंदर जो है वो आपको अवामी बैंक जो होता है उस सूरत में ज़ाहिर है आपने आम आवाम को जो है वो हिस्सा की ख़रीदारी के लिए दावत देनी है, तो उसके लिए आपको पेशनामा जो है वो भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद एक बयान हल्फी होता है, उस बयान हल्फी के अंदर जो है वो प्रमोटर्स अपना बयान हल्फी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं, जिसमें वो इस बात का इकरार करते हैं कि बैंक के क़याम के तमाम जो लवाजमात हैं वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। उसके बाद बैंक जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो जमा करवाई जाती है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है उसके अंदर दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस है। उसके बाद है जी बैंक की जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब बैंक का जो मंजूर शुदा सरमाया और उसके मेम्बरान की तादाद के मुताबिक ये आपको जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद बैंक के आइन और ज़वाबित पर मोहर लगवाने की फ़ीस। इस स्टेज के बाद आपको जो है वो बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो बैंक को मिलता है मरकज़ी बैंक की इजाज़त के बाद जो रजिस्ट्रार है उसकी तरफ से, तो सदाकतनामा तश्कील का जो है वो आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो बैंक जो है उसका रजिस्ट्रार जब दरख्वास्त जमा करवाई जाती है तो तमाम जो मालूमात हैं उनका जायज़ा लेने के बाद अगर वो मुनासिब समझता है कि वो मालूमात से मुतमिन है तो वो कंपनी के बानियों को सदाकतनामा तश्कील जो है वो जारी कर देता है, जिसके बाद निजी या जो ज़ाती बैंक होते हैं वो अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज है जी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है ये आमतौर पर ऐसे बैंक जो पब्लिक बैंक होते हैं जिनको हम पब्लिक लिमिटेड की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, जिनमें आम आवाम जो है उन्होंने सरमाया जो है उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, तो ऐसे बैंक जो हैं उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए एक मज़ीद जो है वो स्टेज जो है उसको पार करना पड़ता है, जिसको हम कारोबार के आगाज़कार का सर्टिफिकेट कहते हैं। तो बैंक की रजिस्ट्रेशन या जब इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो उसके बाद अवामी बैंक को अपना कारोबार शुरू करने के लिए जो आगाज़कार का सर्टिफिकेट है वो हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए मंदरजा झैल शराइत जो है उनको पूरा करना पड़ती हैं। सबसे पहले उनको जो है वो सरमाया की फ्राहमी, अब सरमाया की फ्राहमी का वो आपने फ़ैसला कर लिया कि आपने तमसकात के ज़रिए, हिस्सस के ज़रिए, या आपने अंडर राइटर्स के लिए, या इसमें तीसरी ऑप्शन होती है हमारे पास बचतों के ज़रिए आपने सरमाया जो है उसका हसूल करना है, तो अब आपने उसको प्रैक्टिकली जो है उसके ज़रिए सरमाया हासिल करना है, तो आप हिस्सस के ज़रिए, तमसकात के ज़रिए या बचतों के ज़रिए जो है वो अपना सरमाया जो है उसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद है जी उस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, आम आवाम को हिस्सा बेचने के लिए पेशनामा जारी करते हैं, और जो सरमायाकार इस शेयर्स को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं वो फिर आपका फॉर्म हासिल करके आपके पास जो है वो फॉर्म जमा करवाते हैं। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जिसमें
कम अज़ कम सरमाया की मकदार है। जब बैंक को हिस्से खरीदने के लिए दरख्वास्तें वसूल होती हैं तो ये भी तस्दीक की जाती है कि कारोबार को चलाने के लिए जो कम अज़ कम सरमाया की मकदार मुकर्रर की गई थी उसकी दरख्वास्तें जो हैं वो जमा हो चुकी हैं, और उसके बाद फाइनली जो है फिर वो हिस्सेस की अलॉटमेंट होती है, और हिस्सेस की अलॉटमेंट करके जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई होती हैं तो उन लोगों को जो है वो आगाह कर दिया जाता है कि उन लोगों को हिस्सेस जारी कर दिए गए हैं। तो इसके बाद जब रजिस्ट्रार जो है वो मामलात से मुतमिन हो जाता है तो फिर वो बैंक को कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस कॉल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर आप लोगों ने बैंक की तश्कील के हवाले से जो सबसे कॉमन ज़रिया है, सबसे कॉमन तरीकाकार है, जिसको हम बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसका आपने जो है वो तरीकाकार डिस्कस किया, जिसमें आपने प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है ये तीन मराहल को डिस्कस किया। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जी अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।